हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे ऋतिक रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए। आज उनके स्कूल में दशहरा सेलिब्रेशन है, तो उन्हें आज ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए कहा है। तो कल शाम को मैं गई थी मापसा मार्केट ऋतिक के लिए कपड़े लाने, और आते वक्त मैं लेके आई हूँ फिश। तो ये है बांगड़ा फिश, बहुत ही फ्रेश है। और साथ ही मैं लेके आई हूँ छोटे साइज़ की पेड़ी, इसे गोवा में पेड़ी फिश कहते हैं। ये साइज़ में भले ही छोटे हैं पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऋतु के लिए मैं क्रैब लेके आई हूँ। तो फटाफट मैं फ़िश को क्लीन कर लेती हूँ। पेड़ी फिश की ना करी बहुत ही डिलीशियस बनती है और फ्राई भी। तो आज मैं करी बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। फिश को मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है और उसको मैंने नमक लगा के रख दिया है। तो पेड़ी फिश की मैं आज करी बनाऊंगी और थोड़े फिश में फ्राई करूंगी और थोड़े में बांगड़ा भी फ्राई करूंगी। और ऋतु के लिए 2 क्रैब मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो अब बनाते हैं पेड़ी फिश की करी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा नारियल ग्रेट किया हुआ, और यहाँ पे थोड़े से लहसुन, 2 तरह के मैंने रेड चिली ली है, सूखी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच रोस्टेड धनिया, रोस्टेड मेथी और रोस्टेड राई। और यहाँ पर मैंने त्रिफला ली है और ये कोकम, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लगने वाली है। तो पहले मिक्सी जार में डालते हैं रेड चिली, हल्दी पाउडर और ये भुना हुआ मेथी, थोड़ा ही डालना है बस, भुना हुआ राई और ये भुना हुआ धनिया। अब डालते हैं ग्रेट किया हुआ कोकोनट और थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैंने एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब एक बर्तन में डालते हैं नमक स्वादानुसार और साथ में डालते हैं मसाला पेस्ट। और यहाँ पे मैंने त्रिफला को क्रश कर लिया है और ये कोकम और थोड़े से लहसुन, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। ये सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं और जितना आपको ग्रेवी पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालें। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। तो हमें यहाँ पे पतला करी बहुत ही पसंद है, तो नॉर्मली फिश करी पतला ही बनाते हैं। और इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसे हल्का सा एक उबाल आते हैं। ये देखिए फिश करी को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है। इस स्टेज में हमें डालना है फिश। फिश डालने के बाद तुरंत इसे मिक्स ना करें, इस तरह से इसे पकड़कर हल्का सा उसे घुमाइए। तो यहाँ पे देखिए फिश को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे पेड़ी करी बनके तैयार है। तो आज मैं बालकनी को क्लीन करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने सारे चीज़ें निकाल के रख दी है। ये जो ग्रीन मैट है ना नीचे, उसे मैंने निकाल दिया है, उसमें बहुत सारे धूल भरे हुए थे। और यहाँ पर जो एक फाउंटेन था बुद्धा का, उसे मैंने अंदर रख दिया है, इसे मैं यहीं पर रखने वाली हूँ। कुछ चीज़ें अगर एक ही जगह पर रखेंगे ना, उसे देख देख कर बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी उनकी जगह भी चेंज करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फिश फ्राई कर दिया है और साथ ही मैंने क्रैब और बांगड़ा फिश भी फ्राई कर दिया है। अब चलते हैं खाना खाने। उसके बाद मुझे बनाना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट और उसके बाद बालकनी को क्लीन करना है। जस्ट हमारा खाना हो चुका है और यहाँ पे मम्मी बना रही है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो मिक्सी जार में जिंजर गार्लिक डाला है। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा ऑयल, और इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। बस बहुत सिंपल है इसे बनाना। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये बहुत दिन तक चल जाता है। ये देखिए यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनके तैयार है। अब इसे मैं एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। Maybe I never knew what I really wanted.
like I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. इस मनी प्लांट को मैंने